दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज पावर बाय कॉमर्स पॉइंट अकोला। विगत दो वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण खंडित हुई श्री क्षेत्र पंढरपुर पैदल वारी की श्री की पालकी की परंपरा इस वर्ष से पूर्ववत हो रही है। सोमवार 6 जून को सुबह 7 बजे शेगांव शहर से श्री संत गजानन महाराज की पालकी श्री मंदिर से 700 वारकरियों के साथ हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता से शाही अंदाज में आषाढ़ी एकादशी महोत्सव पर श्री क्षेत्र पंढरपुर पहुंचेगी। अकोला जिला तेज धूप व रिकॉर्ड तापमान के लिए पहचाना जाता है, लेकिन 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के गिने चुने दिन ही रहते हैं। पिछले वर्ष 2021 में एक भी दिन तापमान 44 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा छू नहीं पाया था, किंतु इस वर्ष अप्रैल मई व जून माह के 62 दिनों में 30 दिन 44 डिग्री से अधिक तापमान रहा। थिवरखेड़ वासियों ने शासन व प्रशासन का ध्यान खींचने हेतु खून से पत्र लिखकर अनूठा रक्त संकल्प अभियान चलाया है। थिवरखेड़ को नगर पंचायत का दर्जा मिले इस मांग को लेकर नागरिकों ने खून से लिखा हुआ पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेज दिया है। इस अनूठे संकल्प की सभी स्तर पर खूब चर्चा हो रही है। बढ़ते तापमान को कम करने के उद्देश्य से ऑक्सीजन हम सभी के लिए, इस संकल्पना से स्वस्तिक पौधारोपण मॉडल का विदर्भ का पहला सफल प्रयोग, भारत वृक्ष क्रांति मिशन के संस्थापक अध्यक्ष एस नाथन के प्रयास से कापशी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस पौधारोपण का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी नीमा अरोरा उपस्थित थे। प्रशासन की ओर से 7 दिवसीय बीज महोत्सव 1 जून से 7 जून तक चलाया जा रहा है। इस मुहिम के तहत विगत 4 दिनों में 7106 क्विंटल बीज की बिक्री की गई। अकोला निवासी किसान शांताराव पाटिल इंगले ने सोयाबीन 9305 के 7 क्विंटल बीज की खरीददारी की गई। मनपा की तकनीकी खामियों की वजह से अभी भी गुंठीवारी प्रकरणों को गति नहीं मिल पाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ प्रकरण पहले ही ऑनलाइन दाखिल किए गए थे, बाद में अन्य प्रकरणों को दाखिल किया गया। जानकारी अनुसार 5 से 6 प्रकरण दाखिल हुए हैं, लेकिन वेबसाइट ठीक से न चलने से प्रकरण दाखिल करने में अभी भी दिक्कतें आ रही है। जिले में गुटखा बिक्री करने वाले तथा अवैध ड्रग बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने संबंधित अधिकारियों को दिए। राज्य के अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने शुक्रवार को जिले के विविध विषयों की समीक्षा बैठक ली। स्थानीय अकोटफेल थाना अंतर्गत आने वाले FCI गोदाम के सामने खड़ा किए गए मवेशी से लदा वाहन पकड़ने वाले नागरिकों पर पथराव करने का मामला सामने आया है। पथराव करने की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है। इस मामले में अकोटफेल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उन्हें खोजना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इस भाग में मानसून के 12 से 15 जून तक सक्रिय हो जाने की संभावना है। इसके चलते इस भीषण गर्मी से राहत मिलने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। वहीं कुछ इलाकों में आज काले बादल भी छाए हुए हैं। अकोला महानगरपालिका कर्मचारी सहकारी पद संस्था के कार्यालय में हुई चयन प्रक्रिया में अकोला मनपा के कर अधीक्षक विजय पारतवार को संस्था के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया है। साथ ही उपाध्यक्ष पद पर सुधाकर वानखड़े तथा सचिव पद पर सुरेश पुंड का चयन किया गया। दिव्य हिंदी न्यूज शहर तथा जिले की सभी महत्वपूर्ण न्यूज एवं जानकारी से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही तुरंत इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।